अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी। उसके लिए हम पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। आधा किलो शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की प्याज, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 अदद हरी मिर्च, 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर, 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा सफ़ेद, 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई हल्दी और 1 मीडियम साइज़ का आलू। इसे मैंने पानी में डिप करके रखा है, इस तरह ये इसका कलर ब्लैक नहीं होता। बर्तन में सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम ऑन कर दी है। कुकिंग ऑयल को पहले मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूंगी। प्याज ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। प्याज को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट टमाटर और साथ ही हरी मिर्च ऐड करूंगी। साथ ही मसाला ऐड करूंगी और 1/2 प्याली पानी। मसाला जो मैंने सारा इसमें ऐड किया था वो मैंने भून लिया है। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च, साथ ही मैं इसके अंदर आलू ऐड करूंगी। इसे अच्छे से भून के फिर मैं इसका ढक्कन लगा के हल्की आंच पे इसे पकने के लिए रख दूंगी। इसके नीचे बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है। पूरे 15 मिनट हो गए हैं मुझे इसे, मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है। ये देख लें, ये भी कच्ची है। अभी हम इसे मज़ीद पकने के लिए रखेंगे। पच्चीस मिनट में ये देखें आलू गल चुके हैं और सब्ज़ी भी बन के तैयार है। अब मैं इसे नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। फ्लेम बंद करने के बाद मैं उसके ऊपर कसूरी सूखी मेथी ऐड करूंगी और इसका ढक्कन लगा के रख दूंगी फ़ौरन से। आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी तैयार है। आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।